हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं रोहित रघुवंशी और रीजनिंग मेंटर आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत है माय बिगेस्ट क्लासेस में। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, तैयारी में उतनी ही अच्छे से व्यस्त भी हैं। जल्दी से आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। जो सेशन सुबह 9 बजे होना था, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से अब आज शाम 5 बजे हो रहा है। आप सभी लोग एक बार तेज़ी के साथ आ जाओ। आप सभी जानते हैं कल पेपर है, तो पेपर के क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आज रात क्या और कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम 6:30 बजे मिलेंगे लास्ट मिनट टिप्स में, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाना 6:30 बजे। बहुत ही बारीकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी, बच्चों के एक्सपीरियंसेस भी, राइट, और क्या आप बेहतर कर सकते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा होंगी आज शाम, ठीक है ना। सो सभी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा कोई भी नहीं। चलिए स्टार्ट करें। सभी रेडी हैं? एक बार कमेंट कर देंगे साथ के साथ, तेजी के साथ, जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो भाई। जल्दी कमेंट भी करिएगा साथ के साथ तेजी से। अरे कमेंट करो सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों आज का मॉक टेस्ट आप देख के चले जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आज का। आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, ठीक है। रीजनिंग का मॉक टेस्ट बड़ा ही शानदार है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, और लास्ट है भाई, कल से पेपर शुरुआत होने जा रही है, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का कल पेपर है, ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्कार, ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ लक अच्छे से करिएगा, ठीक है। इस मॉक टेस्ट को देख के जरूर चले जाइएगा सभी, जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, रात को देखें, ठीक है। और एक लास्ट मिनट टिप्स वाला, ठीक है, आज 6:30 बजे 6:30 पे एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है, क्या ही करें हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी। अरे अभी सेशन शुरू हुआ है, धीरे धीरे आएंगे, तुम आराम से आ जाओ, सभी लोग सीख लो, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, टाइमर के साथ करते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे। देखो आप अपना स्कोर बताना अंत में, लास्ट में अपना स्कोर अब मुझसे शेयर करना। चलिए जल्दी से 10 सेकंड लीजिए और बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, एक बार शेयर कर दो आप सभी जल्दी से। सागर, इट्स इंडिया, बच्चों एक बार सभी को शेयर कर दो। देखो इसके बारे में पता नहीं था लेकिन मैंने बस डाल दिया है, ये सेशन इसलिए लाइव कर लिया है कि लोग अभी देख लेंगे या बाद में देख लें, देख सकें बस, ठीक है। अगर एक बार यूट्यूब पर चला जाएगा तो लोग बाद में भी देख लेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं देख पा रहे तो बाद में भी नहीं देख पाएंगे। अभी नहीं देख सकते लेकिन बाद में जरूर देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार शेयर कर दोगे तो औरों को एक बार बोल सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, सभी आ सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, टाइम अप, तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। आपको ये इमेज देखनी है कि भाई ये इमेज आपकी किस ऑप्शन में दिख रही है, आप ये वाली, राइट, ये वाली इमेज किस ऑप्शन में दिख रही है, जल्दी से देखिए और बताने की कोशिश करिए सभी, तेजी से देखें और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग भी क्या होगा। इसमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, लेकिन अगर यहां देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देख पाएंगे बच्चों, ये करके ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। सो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने फिर ये रहा, 10 सेकंड का समय आप सभी के साथ है, चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तेजी से कमेंट करते रहेंगे और सेशन को करते रहेंगे शेयर सभी बच्चे। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप सभी औरों को भी एक बार बता दीजिए कि रोहित सर आ चुके हैं, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा भाई, तेजी से कॉमेंट भी करते रहो साथ के साथ, जो लोग देख रहे हैं ना सेशन को, ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुन्द्र की तलाश करें गाइस, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठीक है ना, बढ़ते रहना है आगे की ओर, बढ़ते रहना है,
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, और लाइक भी करते रहिएगा साथ के साथ सभी। चलो बताओ जल्दी से, कह रहा है कि भी सभी सेब जो है वो आपके क्या है भाई, फल है। सभी सेब क्या है, फल। कोई भी सेब फूल नहीं है, सेब का कोई भी हिस्सा जो है वो फूल में नहीं होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कुछ फल फूल नहीं है, कुछ फल जो है वो फूल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि रोहित सर, सेब का कोई भी हिस्सा जो है वो सारा का सारा किस में नहीं है, फूल में नहीं है। और फल का कितना हिस्सा है सेब में, कुछ हिस्सा। फल का ये वाला हिस्सा कुछ के रूप में है, तो ये जो हिस्सा फल का सेब में है, जितना हिस्सा फल का सेब में है वो हिस्सा फूल नहीं होगा, तो वो कितना है, आप कहेंगे कुछ है। तो वही सिर्फ वही पूछ रहा है कि कुछ फल फूल नहीं है, तो ये कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है, फल का ये वाला हिस्सा जो सेब में है, ये वाला जो कि पूरा का पूरा फूल नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका फल फूल नहीं होगा, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कोई फूल फल नहीं है, फूल का कोई भी हिस्सा फल नहीं है। आप जानते हैं कि भाई फल का कुछ हिस्सा जो है वो फूल नहीं है, लेकिन फल सारा का सारा फूल नहीं है इसके बारे में नहीं कह सकते। जब आप ये नहीं कह सकते कि फल का सारा का सारा हिस्सा फूल में होगा या नहीं, तो आप ये कैसे कह पाओगे फूल का सारा हिस्सा फल में नहीं होगा, ये भी तो नहीं कह सकते ना भाई। फूल का सारा हिस्सा फल नहीं होगा इसके बारे में कैसे कह सकते हो। आप जानते हो अगर मैंने फूल को यहाँ रख दिया ऐसे करके, ठीक है भाई, फूल का कुछ हिस्सा फल में है और सेब का कोई भी हिस्सा किस में नहीं है, सेब का कोई भी हिस्सा फूल में नहीं है और फल का कुछ हिस्सा है, तो क्या इससे कोई दिक्कत आ रही है। जबकि आपने कहा कि सर फूल का कुछ हिस्सा फल में जा सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी है तो आप कैसे कह दोगे कि कोई भी फूल फल नहीं होगा, कन्फर्म नहीं कह सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो। जिन्होंने भी फर्स्ट बताया है बिल्कुल सही बताया, जिन्होंने भी फर्स्ट बताया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे क्या होगा, कमेंट करके बता दो जल्दी, बताओ जल्दी से, और एक बार शेयर भी करते रहो भाई, एक बार सभी के सभी शेयर भी करते रहिए। संजना, सागर, इट्स इंडिया, डी बता रहे हैं, ओनली फर्स्ट बताया इट्स इंडिया ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तेजी से बताओ और शेयर भी करते रहो साथ के साथ सभी लोग। चलिए देखिए और बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए मुझे तेजी के साथ, कमेंट में सभी लोग तेजी से आंसर करेंगे जल्दी से। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बता पाएंगे भाई, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बता पाएंगे सही जवाब, जल्दी से बताना भाई। देखो ऑब्जर्व करने वाली बात है भाई कि रोहित सर अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल आप सर बहुत बार बताया आपने, जो मैंने नीले उससे किया है ब्लू से, कि भाई इसके बारे में आपने क्लियर बताया, वन टू और बड़ा वाला मतलब कितने हो गए, थ्री ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, तीन ट्रायंगल यहाँ से हो गए। फिर अगर देखने की कोशिश की जाए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे रोहित सर यहाँ भी तीन हो गए, ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल, तीन इधर और तीन, आप कहेंगे सर रोहित सर यहाँ भी तीन हो गए, एक दो और एक बड़ा वाला तीन यहाँ से भी हो गए, ठीक है, क्लियर है बात या नहीं, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, नौ हो चुके हैं। इसके बाद और क्या मिलेगा आपको, इसके बाद आपको ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात या नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझ आ रही बात। उसके बाद अगर देखने की कोशिश करी जाए तो आप कहेंगे सर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे ये वाला भी तो ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला पार्ट, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12, देखो तीन यहाँ से मिला था, तीन यहाँ से मिला, एक दो तीन, ठीक है, तीन यहाँ से मिला, तीन तीन नौ हो गया, एक ये वाला हिस्सा 10, फिर एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक 11, एक ये वाला पार्ट 12, ठीक है, कितने हो गए टोटल ट्रायंगल्स, 12 ट्रायंगल्स हो गए, राइट, 12 ट्रायंगल्स किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में आपको दिया गया, सी ऑप्शन में दिया गया, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर बात या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सभी के सभी। राहुल शर्मा, बच्चों एक बार शेयर कर सकते हो सभी, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, सभी के सभी पूरी ताकत के साथ सेशन को करेंगे शेयर जल्दी, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स आज ऐसा है कि भी शेयर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को, बताएंगे सभी के सभी तेजी से,
बताओ, कमेंट करके मुझे आंसर करो सभी, बताइए जल्दी से, कमेंट में आंसर करो सभी। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, थोड़ा सा इसमें हो सकता है मिस्टेक हो, STD, ठीक है, TST, ये ऐसे है, इसको देख लो, नोट कर लो, ठीक है, TD। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी, बताओ जल्दी से। थैंक यू सो मच संजना, थैंक यू सो मच, सभी करेंगे, ठीक है ना, सभी के सभी करिए, तभी तो पता लगेगा, सभी लोग करिए एक बार शेयर सेशन को। चलिए जल्दी से, इधर ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं ST यहां पर भी है, ST यहां पर भी है, ठीक है ना, तो क्या ही हो सकता है, क्या हो सकता है, STD हो सकता है क्या, STD, ये एक बन गया, ये एक बन गया, अब TD यहां पर है तो TD यहां भी हो सकता है, तो TDS, TDS, यही है क्या, एक बार मैंने STD को लिख दिया, फिर T को मैंने सेकंड पे रख दिया, फिर D को रखेंगे, DST, सॉरी, फिर STD, ऐसे बन सकता है, ऐसे पेयर बन सकता है, ठीक है, STD, फिर सेकंड लेटर को फर्स्ट पे लाए TDS, फिर सेकंड को फर्स्ट पे लाए DST, भाई DST, फिर अगेन इसको S को फर्स्ट पे लाए STD, मतलब ऐसे कर दिया गया, STD, फिर सेकंड, सेकंड थर्ड, फिर इसको तीसरे और पहले को तीसरे पे ले आना है TDS, फिर पहले को फिर आपने क्या करना है, तीसरे पे ले आना है तो DST, फिर पहले को तीसरे पे ले आएंगे तो फिर STD, इस तरीके से पेयर बन रहा है। तो उसमें कौन कौन से बने हैं भाई, उसमें आपका DTS, आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले ऑप्शन, किसी ने बताया, सागर ने बताया था, राहुल शर्मा, गलती होगी भाई, प्रिंट मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, सब कुछ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देख लेना और बताना, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी के सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ध्यान से देख लीजिए और बताने की कोशिश करिए सभी, तेजी से आंसर करो सभी लोग, बताओ जल्दी से कमेंट में कितने लोग बता पाएंगे, देखते हैं, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई, सेशन को सभी लोग मिलकर एक बार सेशन को शेयर करिए, जल्दी से एक बार सेशन को करिए शेयर सभी लोग, चलिए बताइए, बताओ जल्दी, कह रहे पांचवी का बी, कह रहे नवजात जो है वो क्या है, युवा है, ठीक है, नवजात जो है वो युवा, इसी प्रकार से पूरक एडजेंट का क्या होगा, अनम्य होगा, सहयोगी होगा, कार्यात्मक होगा, खिलाफ होगा, जल्दी से एक बार कमेंट बताइए, बताइए जल्दी, पांचवे का भी, नवजात जो है ऑब्वियसली क्या हो रहे होते हैं, युवा हो रहे होते हैं, ग्रोथ होती है, युवा हो रहे होते हैं, इसी प्रकार से पूरक का जो होता है वो आपका सहयोगी होता है, सपोर्टिव होता है, पूरक का क्या होता है बच्चों, सहयोगी होता है, सहयोगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो सभी, जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश करिए सभी बच्चे, चलिए ध्यान से देखो और बताओ जल्दी से,
कमेंट में आंसर करो सभी, कमेंट में आंसर करो सभी के सभी, जल्दी से जल्दी बताओ सभी के सभी। 37, 52, 74, 143 क्वेश्चन मार्क। तेजी से कमेंट करो सभी लोग। बताइए जल्दी, 37 और 15 कितना होता है अभी? 52, ठीक है। यहां से कितना हो गया? 22। यहां से कितना हो गया? 0। 30। यहां से कितना हो गया? 39। आपने देखा सर, यहां 7 का डिफरेंस है, यहां 8 का डिफरेंस है, यहां 9 का, तो नेक्स्ट कितना होगा डिफरेंस? 10 का। तो 39 और 10 कितना हो गया? 49। 9, 3, 12, 4, 4, 8 और 1, 9, 192 विल बी करेक्ट। 192 किस ऑप्शन में दिया गया? डी ऑप्शन में दिया है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बता दो, जल्दी से ऑप्शन का आंसर करिए सभी, तेजी से, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, जल्दी से बताओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, जल्दी से तेजी के साथ कमेंट करो सभी के सभी बच्चे, कमेंट करो सभी लोग आंसर, राहुल सभी लोगों को आंसर करना है कमेंट में, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं भाई, जल्दी से बता देना, तेजी से आंसर करो सभी, क्या होगा और कैसी है तैयारी, कितने लोगों का एमटीएस का एग्जाम है मुझे कमेंट करके बताना सभी लोग, जल्दी से मुझे एक बार ही कमेंट करके बता दो कितने लोगों ने एमटीएस का फॉर्म फिल किया है और कल एग्जाम है उन लोगों का, कल कितने लोगों का एग्जाम है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, ध्यान रखना 6:30 बजे भूल मत जाना सभी लोग, 6:30 पे भूल ना जाना, आ जाना 6:30 बजे, ठीक है। एस्केलेट, इरप्ट, एस्केप, रेडिकेट, इरेक्ट, जल्दी से देखो इसको बताओ। आपने कहा कि सर इसको आसानी से कर सकते हैं, भाई यहाँ डी डी तो सभी में ही है, सी ई सी ई सभी में है, तो एक बार लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं क्या होगा, भाई ई आर, ई एस, ई एस सभी में है, आर पहले आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ई एस सी ए एल, ई एस सी ए पी, ऑब्वियसली पी बाद में आएगा, इसका मतलब सी लास्ट में होना चाहिए, तो ई वाले कट गए, ठीक है, दोनों डी वाले ही बचे, ठीक। तो अब आपने क्या देखा भाई, यहाँ लास्ट में ए सी, ए सी दोनों में है, तो आप पहला वाला चेक कर लो, पहले वाले ई आर यू, ई आर ए पहले आएगा, ई आर ई आप कहेंगे, ई आर ए पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आर यू तो नहीं आएगा, फिर ई आर ई आएगा, ठीक है। तो भाई डी ई, डी ई आपको किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में दिया गया। डी ई किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में दिया गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मुझे देखते कितने स्टूडेंट बता पाते हैं, जल्दी से कॉमेंट में आंसर बताओ, जल्दी से कॉमेंट करो और एक बार शेयर भी करते रहो बच्चों, अरे यार शेयर भी तो कर दिया करो, आप लोगों को पता है कि रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपका ये हाल रहता है, जल्दी से एक बार सेशन को करिए शेयर सभी के सभी, चलो करो भाई। एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेंसिक को क्या लिखा गया है? फॉरेंसिक को क्या लिखा गया भाई? 612 18 22 14 19 183, ठीक है भाई। तो आपने देखा भाई सर एफ को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं भाई, एफ को क्या लिख सकते हो आप? 6 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते बताओ, बोलो लिख सकते हो? आपने कहा सर लिख सकते हैं। ओ को आप क्या लिख सकते हो? 12 नहीं, लेकिन ओ के अपोजिट को हम, ओ का अपोजिट होता है एल, एल का क्या होता है बेटा? 12 ही होती है। आर का 18, ई का अपोजिट होता है वी, वी को हम क्या लिखते हैं प्लेस वैल्यू 22, N की 14, S की 19, I का पूजित होता है R, R का क्या होता है प्लेस वैल्यू 18, C की प्लेस वैल्यू 3, मतलब वॉवल में हमने क्या करना है? वॉवल में हमने उसके अपोजिट का यूज करना है, वॉवल में हमने क्या करना है? वॉवल में हमने उसके अपोजिट का यूज करना है, ठीक है, वॉवल में क्या करना है? हमने उसके अपोजिट का यूज करना है, ठीक है। सो हमसे पूछा क्या गया? कैरामिल का पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया बच्चों? कैरामिल का पूछा गया है।
कैरामेल में सी की 3, ए की जेड मतलब 26, आर की 18, ए की 26, एम की 13, ई की 22, एल का 12, तो 22 बार है, ये खत्म। 326 आपने कहा कि सर यहाँ भी नहीं, 326 18 26, ये आपको बी ऑप्शन में दिया गया। किसने बताया बी? 8th का बी किसने बताया? राहुल गलती कर बैठे, 8th इंडिया गलती कर बैठे भाई हैं। अरे 1826, अच्छा 1826 यहाँ पर सेम है, ए ऑप्शन है बच्चों 1826। मैं बताने क्या कर रहा हूँ, 326 18 26 13 22 12, बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये एग्जैक्ट आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है। हाँ जी एग्जैक्ट जो सेम है वो आपको ए ऑप्शन में है, एग्जैक्ट सेम है ए ऑप्शन में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान से देख लेना और बताने की कोशिश करना सभी, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, जल्दी से बताओ, और एक बार आप लोग शेयर भी कर दो भाई, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो सभी के सभी, बताओ जल्दी से, लाइक भी करते रहना साथ के साथ सभी के सभी, ठीक है। चलो बताओ जल्दी, देखो ध्यान से, 1652, जब भी कभी देख लेना बच्चों नंबर्स, जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि आप इन चार नंबर्स में से आप ऑड बताइए, भिन्न बताइए, तो आपने क्या करना होता है कि चार डिजिट नंबर में आपने उनकी डिजिट्स का सम करना होता है, क्या करना होता है अभी, सम करना होता है, 6 5 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 8 3 11 11 और 6 17 और 1 18, 6 3 9 4 13 1 14, 5 4 9 9 5 14, आप सभी को भिन्न दिख जाएगा डिजिट के सम में। अगर उसके डिजिट का सम करेंगे तो उसमें आपने क्या मिल जाएगा भैया, यही बी ऑप्शन जो ऐसा है जो कि भिन्न है अलग है, बी ऑप्शन ऐसा है जो कि औरों से भिन्न है औरों से अलग भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन ये तो सेम ही है भाई, चलो देखो ध्यान से अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए ध्यान से और बताने की कोशिश करिए, समय हो गया बेटा, एक बार सभी लोग शेयर भी कर दो सभी के सभी, जल्दी से कमेंट में आंसर करो सभी, जल्दी करो, प्लॉटर वेब कैमरा माइक्रोफोन कीबोर्ड जल्दी से बताएंगे, बताइए। देखो वेब कैमरा क्या है, माइक्रोफोन क्या है, कीबोर्ड क्या है, प्लॉटर क्या है, आप सभी जानते हैं कि भाई कीबोर्ड क्या, इनपुट डिवाइस है, जब आप इनपुट देते हैं तभी तो वहां तक पहुंचता है, रिसीव होता है कंप्यूटर को। माइक्रोफोन ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर में क्या है, प्लॉटर में आपका क्या है आउटपुट, कैसे आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप भी जानते हैं कागज जो होता है, कागज पे आपने प्रिंट करने के लिए उसको प्लॉटर का यूज करते हैं, वो उस पे प्रिंट करता है, आउटपुट के रूप में उसको यूज करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आउटपुट, ये बाकी सभी कैसी है इनपुट है, बाकी सभी ये कैसी है बच्चों इनपुट, तो इसीलिए यही भिन्न है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट, ठीक है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे मुझे कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। संजना चलो बताओ भाई, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, कमेंट में आंसर करो सभी, जल्दी बताओ,
बताइए जल्दी। बताओ भाई। अगर मैं इसको देखता हूँ कि भी मैं अगर इसको जोड़ता हूँ तो पहले तो देखो यहाँ 49 हैं या 15 हैं या 335, कैसे जज कर पाएंगे वो इसी के लिए कह रहा है। नौ तीन बारह, दो तीन चार, 42 ना तो इधर है और ना ही इधर है। 49 का 33, 35 मतलब मल्टीप्लीकेशन का रोल यूज होगा इसमें, मल्टीप्लीकेशन का रोल प्ले होगा। भैया 15 निम्मा 135, ठीक है 15 चौका 60, 60 और ये 13 73, 735। अगर 335 में से 335 घटाइए, 735 में से 335 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 400 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी अगर आप ध्यान से देखिए, इधर 93 42, 57 और 92 जो 38 और 5 43। अगर मैं 37 घटाता हूँ तो भी वही 400 आ रहा है, मतलब दोनों में सेम आ रहा है 400 400, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। 12 6 72, ठीक है 12 2 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। 312 में से मैंने कितना घटाया भाई आपका, जो 312 आ रहा है ये कितना आ रहा है 312, तो मैंने क्या करना है, मुझे लाना 400 है, मुझे लाना 400 है तो मुझे इसमें 88 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है 88 मुझे क्या करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 9 और 1 10, 400 आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसमें जोड़ पाते थे ऐसा कुछ, क्या हम ऐसा कुछ जोड़ पाते थे इसमें, नहीं ना। तो भाई कितना आना चाहिए, आप कहेंगे रोहित सर यहाँ आना चाहिए माइनस का 88। दीपू बात क्लियर से बिल्कुल, देखो क्या करना था हमें इसमें 312, हमें आपको पता था कि थर्ड नंबर हमने घटाना था, थर्ड नंबर हमने क्या करना था, थर्ड नंबर हमने घटाना था। तो भाई घटाते तो भैया इसमें तो और कम हो जाएगा, अगर 312 में से अगर घटाओगे तो और कम हो जाएगा, लेकिन आपको घटाना है, लेकिन आपको घटाना है क्या, माइनस 88। तो माइनस माइनस को क्या कर देगा बच्चों, प्लस कर देगा, तब हम इसमें ऑब्वियसली ऐड ही कर पाएंगे, तब हम इसमें क्या कर पाएंगे ऐड, इसीलिए प्लस क्वेश्चन रोक रहे हैं किसी को हंसने से। क्या ही बोले, मतलब क्लास में मतलब डिस्टर्ब हो रही हो, आप भी डिस्टर्ब होंगे, इवन मैं भी। सब मस्ती कर रहे सर ये नहीं हो पाया, भाई कितना वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से। चलो माइनस 88 समझ आई बात या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे सभी, एक बार ही कमेंट करके बताइए सभी क्या बात समझ आई आप सभी को या नहीं, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने इसकी मल्टीप्लाई की 19 में 23 की, ठीक है कितना आया, आपने कहा कि सर 19 2 38 57, 19 1 19 और 19 2 38 और 5 43, 437, 437 में से 37 घटाया कितना आया हमारे पास, 400 आया, राइट मतलब ये वाला नंबर हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी 15 निम्मा 135 13, 15 चौका 60,
60 और 13 73, मतलब 735 में से 335 घटाएंगे तो भी 400 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी वही सेम आपको करना है, यहाँ भी आपका वही आना चाहिए 400 के आसपास। तो पहले आपने इसमें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आपका घटाना था। अब घटाना क्या था हमारा, तो नंबर यहाँ पे 312 आ रहे हैं। अब 312 आ रहे हैं लेकिन हमें चाहिए जो ओवरऑल 400, तो ओवरऑल करने के लिए हमने 88 जोड़ना नहीं, हमने माइनस 88 करना है, जिससे कि माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो तब उस केस में हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो जो सम टोटल निकल कर आएगा वो 400 के बराबर निकल कर आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात या नहीं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपके दिमाग को खोल देगा ये, ठीक है, आपके दिमाग की नसों को ये खोल देगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश करिए, सभी तेजी के साथ इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए जल्दी से। चलिए कर लिया, देखिए क्या करना था, पहले आपने क्या करना है इसको देखिए आप। तो आप क्या करेंगे, इसमें इनटू करेंगे 5 9 45 15 डिवीजन 3, 45 माइनस 15 विल बी 30, डिवीजन बाय 3 विल यू विल गेट 10 बाई 30 बाई 3 विल बी 10, 30 बाई 3 विल बी 10, तो वही तो आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया, जब पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया तो बाकी हमें किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब पहले ही ऑप्शन में जवाब है तो बाकी और को किसको देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लेना और बताने का प्रयास करना सभी। बेटा बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है, लगा लो सभी के सभी जल्दी से, ठीक है, अच्छा मॉक टेस्ट है, आप लोग लगाइए सभी। 25 प्रश्नों का बड़ा ही शानदार सा है, देख लो आप सभी जाते जाते इस पे, कल को कल वाले पेपर में जाने से पहले आज देख जाओ सभी लोग, ठीक है, फिर मत कहना सर ने कराया नहीं, सर ने तो कराया था, आप लोग नहीं करके गए। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो सभी, जल्दी से कॉमेंट में आंसर करो तेजी के साथ, बताओ जल्दी से। बंद कर लो। चलिए 4 11 31 65 193 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपने देखा डिफरेंस विल बी 7, डिफरेंस विल बी 20, डिफरेंस विल बी 34, डिफरेंस विल बी 13 9 8 5 13, 18 - 6 विल बी 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितने लोगों ने बताया जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सभी के सभी जल्दी, कुछ लॉजिक लग रहा है यहाँ से? आपने कहा सर यहाँ से अगर डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ 13 का डिफरेंस है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई। इसका मतलब डिफरेंस का तो लॉजिक नहीं है इसमें, डिफरेंस का तो लॉजिक इसमें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, पहले सीरीज के स्लोप को चेक करिए। आप कहेंगे सर सीरीज का स्लोप तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इसका कितने पास है, 2 गुने के पास है, 4 2 8 + 3, ठीक है ना, 11 2 22, 11 3 33, 11 3 33 माइनस 2, इधर क्या करेंगे 31 2 62 + 3, इधर क्या करेंगे 65 3 5 15, 3 6 18, 195 माइनस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना होगा, ऑब्वियसली आप प्लस 3 और 65 2 गुना कर रहे हैं ना, 11 3 33, 2 नहीं इधर 3 करें तो इधर 2 गुना करेंगे, 2 गुना + 3 करेंगे, तो 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2 और 1 386 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 389 हो जाएगा। कमेंट में बताइए जल्दी से, 389 किस ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी।
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? अरे लाइक भी करते रहो साथ के साथ, इतनी कंजूसी करोगे भाई, लाइक करने में इतनी कंजूसी करोगे तो फिर तो हो गया। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके, अरे लाइक भी करते रहो साथ के साथ। रवि प्रजापति, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, रवि रंजन, हरेंद्र चौधरी, बच्चों एक बार शेयर करो और लाइक भी करते रहना साथ के साथ कमेंट में। जल्दी से लाइक भी करते रहिए और कमेंट में आंसर करो सभी लोग। जल्दी से कमेंट में आंसर्स भी करिए साथ के साथ, तेजी से तेजी से। मोनिका पाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी करो बच्चों, कमेंट में आंसर्स भी करते रहे साथ के साथ सभी के सभी। आपने देखा कि सर 16 का रिलेशन किससे है बच्चों, 144 के साथ है। तो 28 का रिलेशन किससे होगा? आपने कहा सर ये इसका कितने गुना है, 9 गुना है इसका, ये इसका कितने गुना है, 9 गुना। तो भाई 28 का 9 गुना कितना होगा? आपने देखो सिंपल है, आपने गुणा नहीं करनी, आप 28 में 9 की गुणा करने मत जाइए। आप देखिए कि सर ये किसके नजदीक है, इसको 10 गुना करिए, 10 गुना करेंगे दिमाग में करना चाहिए। तो आप कहेंगे 280 हो गया, 280 में से 28 घटा दीजिए। तो जब आप 280 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा आपको, 252 आएगा। ठीक है, तो बस सीधा सा ऑप्शन में देखिए, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा, कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको भाई 9 8 72, 9 2 18 और 7 25, 252। इसका मतलब इसमें कुछ और भी है, इसमें कुछ और भी लग रहा है मुझे। ठीक है, वो क्या लग रहा है कि भाई अगर मैं 16 में से 4 घटाऊं तो कितना आ जाएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो भैया 24 में से अगर घटा दिया जाए तो क्या लॉजिक लगेगा बताना जरा। 24 में से आपने कहा सर 24 का भी यहाँ स्क्वायर है नहीं कहीं, ठीक है ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर ये 16 का मल्टीपल है, ये 16 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में कोई मल्टीपल दिख रहा है आपको? ये 263 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। 544 हो सकता है क्या? आपने कहा सर 544 हो सकता है या नहीं? 28 एकम 28, आपने कहा सर 28 दूनी 56, मतलब ये 26 264, आपने कहा 264 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 252 था, 264 नहीं, मतलब ये भी नहीं। ये हो सकता है क्या? आपने कहा ये पॉसिबिलिटी है, 420 28, भाई 7 4 28, 0 से 0 कट गया, 7 6 42, ये कट रहा है आपका भाई, 7 6 42 कट गया, कट गया पूरा कटेगा नहीं, इसका मत इसका ये कंफर्म नहीं कि पूरा कटेगा या नहीं। 28 इससे कट रहा है, आपने कहा कि सर ये 8 4 32 8 4 32, ये भी इससे नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा भाई, कट रहा है इससे पूरा नहीं, 28 वाला 420 से कटेगा या नहीं कटेगा? ठीक है, 28 वाला 544 तो कटेगा या नहीं? 544 तो नहीं कटेगा, 544 और ये तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 324 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 324 सात का मल्टीपल नहीं है, जैसे आपने देखा ना 7 4 28 4, ये तो सात का तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। 420 और 28 में क्या रिलेशन, ऑप्शन यही बच रहा है 420 और 28, अरे ये 28 है बच्चों, मैंने 280 कर दिया, तुम भी एक बार बता नहीं सकते क्या है भाई? 7 4 28 7 6 42, अरे अभी 15 बार पूरा जा तो रहा है, तुम लोग बताओगे नहीं ना, है ना, तुम लोग नहीं बताओगे, अरे मेरे से गलती से 280 लग गया, मैं इसको 0 से 0 काट दिया। एक बार तुम भी तो खुद कह सकते थे सर ये 280 नहीं है, 28, ठीक है, पूरा ये कट रहा है बच्चों, मैंने यहाँ गलती से 280 लिख दिया था, इसे मैं कह रहा हूँ ये कट गया, फिर कट क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत आ रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। सी ऑप्शन विल करेक्ट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े, समझ आ गई बात या नहीं, बोलो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सभी के सभी, तेजी से। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का अगला आंसर, अगले प्रश्न का सही जवाब बताएंगे सभी के सभी। जल्दी से ध्यान रखिएगा, 6:30 बजे जाइएगा मत, जिन भी बच्चों का SSC MTS का एग्जाम है बच्चों, लास्ट मिनट टिप्स हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अंत समय में क्या करें, अंतिम समय में क्या ऐसा बेहतर करें, जाने रोहित सर के साथ, ठीक है बच्चों, जानेंगे रोहित सर के साथ अंतिम समय में और बेहतर क्या कर सकते हैं आप, क्या और अच्छा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। जानने के लिए 6:30 बजे आज शाम 6:30 बजे, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो। सभी आपसे कह रहे हैं फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्स, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी, कमेंट में सभी लोग बताइए। भैया देखिए, एप्स सारे के सारे किस में होते हैं? एप्स सारे के सारे आपके किस में मिलेंगे? आपको फोन में मिलेंगे, ठीक है भाई। और फोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ही तो है भैया, ठीक है ना। तो इसीलिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? ये आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है। किस ऑप्शन में है बच्चों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही बताया, मोनिका पाल, रवि प्रजापति डी बता रहे, रवि प्रजा। अरे भाई फोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी तो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ही तो है, क्या है और ये फोन? और कुछ है क्या? है, अगर आपसे पूछने लगे फोन किस कैटेगरी में आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ही तो बोलेंगे, जैसे टेलीविजन हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये क्या है जो हमें सुख सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और करने का प्रयास करो सभी, जल्दी से तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी, तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर करके जाएंगे सभी लोग। बताइए जल्दी से कमेंट में, सभी लोग जल्दी से बताओ भाई, ए बी सी, ई एफ जी। आपने कहा कि सर सी से ई प्लस टू किया गया, ठीक है, जी एच आई प्लस टू, तो यहाँ भी प्लस टू करेंगे तो एम आ जाएगा, तो एम एन ओ किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? सी ऑप्शन में दिया गया। एम एन ओ किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? सी ऑप्शन में दिया गया बच्चों। एक बार सभी लोगों सभी एक बार सभी के सभी एक बार बच्चों शेयर कर देंगे सभी लोग मिलकर, मुझे बार बार कहने की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं करते। आप लोगों से सभी से फिर गुजारिश है कि सेशन को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बताओ। अगला जो प्रश्न है आप सभी के सामने है, ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी, जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर सभी के सभी, तेजी से मुझे बताओ, कमेंट में आंसर करो, बताओ जल्दी से क्या होगा भाई। जल्दी से बताइए, बताओ कमेंट में और लाइक भी करते रहो साथ के साथ भैया। चलिए बताइए, चलिए देखिए आपने क्या देखा, आपने पहले से दूसरे की ओर जाकर देखा, पहले से दूसरे की ओर जब आप जाकर देखेंगे तो आपने कहा कि सर ये इसका क्या है, एक तरीके से मिरर है भाई, ऐसे पलट गया है, ये आपका क्या था, ऐसे पलट गया, मिरर वाला पार्ट है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस इससे इस पर आएंगे तो ये भी इसका मिरर पार्ट दिखना चाहिए, मतलब डार्क पार्ट विल बी हेयर, शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, जो मिरर के नज़दीक वो मिरर के नज़दीक, जो मिरर से दूर वो मिरर के दूर, ये मिरर के नज़दीक है तो मिरर के नज़दीक आ जाएगा, ये मिरर के दूर है तो मिरर के दूर आ जाएगा, इधर तो आएगा नहीं, ठीक है, इधर आएगा, इधर जाएगा नहीं ऊपर की तरफ भाई, बॉटम से टॉप पर तो जाएगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो देख के गलत हो जाएंगे। तीसरी बात कि भाई यहाँ और यहाँ देखिए, आपने कहा सर यहाँ ट्राइंगल जो है उल्टा है, तो पलटने पर भी उल्टा ही दिखेगा, सीधा तो हो नहीं जाएगा ट्राइंगल, इसका मतलब ये हो गया भाई, पलटने का तो मतलब है ना टॉप टू बॉटम चेंजेस आए हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही जवाब है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही बताया, जिन बच्चों ने भी डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं। चलो अगला प्रश्न आप सभी देख लो, ध्यान से देखना और बताने का प्रयास करना सभी, जल्दी से कमेंट में आंसर करो, कम लोग हैं शेयर करो भाइयों, थैंक यू सो मच इट्स इंडिया बच्चे, थैंक यू सो मच, सभी कर दो बच्चों एक बार पूरी ताकत के साथ, और लाइक भी करते रहना, जो जो लोग लाइक नहीं कर रहे देख लेना, पाप लग जाएगा सच में, बहुत ही देखो लास्ट मोमेंट पे भी मैं आपको मॉक टेस्ट कराते कराते जा रहा हूँ कि कल पेपर है, किसी ने बताया नहीं था कल कितने बच्चों का पेपर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कितने बच्चों का कल पेपर है भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे सभी के सभी, कमेंट करके सभी लोग बताइए कितने लोगों का पेपर है कल, बताओ जल्दी से। चलो देखो इस प्रश्न को देखो बच्चों, कह रहा है ए डी जो, ए जो है डी का दामाद है, ए जो है वो क्या है बच्चों? डी का दामाद है, ठीक है, ध्यान से देखना इधर की तरफ, ए डी
डी का दामाद है, मतलब डी का कोई बच्चा है जिसका जो मैरिड मैरिड जो जिससे शादी हुई हो ए के साथ, तो भैया ए कौन है, भैया दामाद है डी का। डी जो है जी का साला है, डी जो है क्या है जी का साला है, मतलब डी की जिससे शादी हुई है जी का साला है, साला, ठीक है ठीक। तो ये मेल हो जाएगा, फिर ये फीमेल हो जाएगी। जो ई का भाई है, जी जो है वो क्या है ई का भाई है, इसका मतलब ई विल बी हेयर। ई के की इकलौती पुत्री है, ई जो है वो के की इकलौती पुत्री है। जी के से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है के से, तो जी क्या हो जाएगा बेटा ही तो हो जाएगा भाई, जी जो हो जाएगा वो बेटा ही तो हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं, बोलो बताओ जल्दी, क्लियर बात है या नहीं, कर लिया सभी ने या नहीं किया, कमेंट करके बता दो सभी के सभी। अरे जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखो इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश करो, समय हो गया है शुरू, बताना ध्यान से सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और बताइए। राहुल, मोनिका, शिवम राज, बच्चों बहुत बढ़िया, बेटा रेगुलर सेशन में आना सुबह 9 बजे से, ध्यान रखिएगा सभी, रेगुलर सेशन में ज्वाइन करना है ना तो सुबह 9 बजे आ जाना मेरी क्लास में, ठीक है सुबह 9 बजे, जिसमें हम SSC और SSC दिल्ली पुलिस इसको टारगेट कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुन लो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो अच्छा लगेगा लगेगा, आपको अच्छा फिगर बना लिया पर आंसर नहीं दे पाए, आपको इसलिए अच्छा लगेगा कि कमेंट्स तेजी से चल रहे होंगे तो आप भी ये पता कर पाएंगे भाई हम कहाँ पर हैं, और हमें इसलिए लगेगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमें जान पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं हमारे साथ। तो आप सभी से इसलिए कहता हूँ कि बार बार यही कहता हूँ कि लोगों को एक बार बोला करें, आप लोग ये बताइए आप किसी भी गाँव में रहते हैं तो गाँव कितना होता है, आप 20 नहीं 50 लोगों को साथ में जोड़ के खड़ा कर सकते हैं, गाँव में एक बच्चा तैयारी थोड़ी नहीं करता है, गाँव में पता नहीं कितने बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन वही तुम्हारे मन में ये रहता है कि यार और ना कोई और ना देख ले हमारे अलावा। चलो इसको बता दो जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बीस का सी। देखो आपसे कह रहे दी गई आकृति में सही दर्पण छवि का चयन करें, जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर स्थापित किया जाता है, दर्पण को हमने कहां लगा दिया दाईं ओर लगा दिया, ठीक है तो अब इसको पलटेंगे, पलटने पर कैसा देखेगा भाई, पलटने पर ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं देखेगा, इसके अंदर थोड़ी ना जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर नहीं आ सकता ना, ठीक है अब ये वाला जो है पलटा है नहीं, इधर शिफ्ट हुआ ही नहीं है, ये वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब अगला देखा जाए, तो अगला अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने कहेंगे पलटने पर कैसा दिखेगा, आपने कहा सर ऐसा यहाँ पर भी है ऐसा यहाँ पर भी, लेकिन आप कहेंगे सर ये इससे टच में नहीं है, जैसे जब पलटेंगे तो इससे टच से दूर थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ पर ये दूर हो रखा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो दूर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल टच होके जा रहा है इसका, यही आपका सही जवाब, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, कमेंट में आंसर करिएगा सभी के सभी। टाइमर शुरू हो गया बच्चों, टाइमर शुरू हो गया, समय जाया ना करें, बिल्कुल भी समय जाया ना करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें सभी के सभी, तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि भाई एक लड़की जो है पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, एक लड़की जो है पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, अब फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ती है तो 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये रहा उसका शुरुआती बिंदु और ये रहा इसका ये पॉइंट जहाँ उसको पता करना है, तो आप जानते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये वाली कितनी बची, ये 5 बच गई ये वाली, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी, ये 6 है और ये भी 6, टोटल कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो भाई अब आप सभी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 125 कितना हो जाएगा, टोटल 169, रूट निकालोगे कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा, तो दूरी कितनी होगी प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर होगी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी हो गई बच्चों 13 किलोमीटर हो गई, क्लियर बात या नहीं,
जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये बात समझ आ रही है। तेरे होगा। अरे क्या होगा ए भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके सभी। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देख लो और बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो सभी तेजी के साथ। इंडिकेटर, ध्यान से देखिए और बताइए जल्दी से, तेजी के साथ आंसर करना सभी लोग। बच्चों सभी लोग तेजी से आंसर करेंगे। JOE, JBC, JBC, VOT, ठीक है। आपको इमोशनल का बताना है, आपको किसका बताना है बच्चों? इमोशनल का बताना है, ठीक है। तो आपने देखा भी IJ, NO, DE, IJ, BC, यहाँ से -1 है, यहाँ +2, ABC, TUV, +2, यहाँ पे आपका क्या है भैया? इंडिकेटर VOT, यहाँ पर सेम है, यहाँ पे RST, यहाँ +2, ठीक, क्लियर बात या नहीं? यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका बच्चों इसे क्यू कर लेना, इसको क्यू कर लेना, क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो यहाँ भी +2 हुआ, मतलब इस लास्ट के चार में +2, स्टार्टिंग के चार में आपका क्या हुआ है, IJ, NO, DE, IJ, स्टार्टिंग के चार में +1, ठीक है ना। फिर यहाँ आपका बीच वाले में BC, -1 हुआ है बीच वाले में, मतलब स्टार्टिंग के चार, लास्ट के चार, बीच वाले में आपने क्या करना था, -1, मतलब H, बाकी +2 करेंगे Q, P, C, N, HQPCN लास्ट में किस में है? आपने कहा सर HQPCN लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका सी ऑप्शन में है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। जो डी बता रहे हैं वही डी क्यों बता रहे हो हैं? अरे डी क्यों बता रहे हो ये तो बता दो, हमें भी बता दो डी क्यों बता रहे हो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ डी क्यों बता रहे हो भाई हैं? डी किसने बताया और क्यों बताया डी? अरे डी क्यों बता दिया आपने। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो सभी। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या होगा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। यदि मैदान का संबंध खेल से है और जिम का व्यवहार से, तो भैया एयरपोर्ट का संबंध क्या है? एयरपोर्ट प्रार्थना रिलैक्स का मतलब तो नहीं है, ऑब्वियसली यात्रा से, एयरपोर्ट, ठीक है। यदि मैदान का संबंध खेल से, मैदान में हम क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। जिम का संबंध क्या है, व्यायाम से। उसी प्रकार एयरपोर्ट पे हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का यूज क्यों किया जाता है, एयरपोर्ट पे क्यों जाते हैं हम, यात्रा करने के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो सभी के सभी। 24th प्रश्न आप सभी के सामने है, 24th प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देख लेना और बताने की कोशिश करना सभी। कमेंट करके बता दो सभी, बताइए जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। चार में से एक आपको क्या बताना है, ऑड बताना है, भिन्न बताना है। चार में से एक क्या बताना है आपको, भिन्न बताना है, ऑड बताना है। कमेंट करके आंसर करो सभी, बताइए जल्दी से कमेंट में, तेजी से आंसर करो सभी के सभी, क्या होगा भाई, ध्यान से देख लो और बताने की कोशिश करो, जल्दी करो भाई। बताइए आपने क्या देखा, MORV, MNO +2, OPQR +3, RSTUV +4, ठीक है। यहाँ देखिए XZCG, XYZ +2, Z से C +3, C से D +4, VY, बस यहीं पे गड़बड़ है, यहाँ तीन का अंतर है, जबकि बाकी सब में दो का अंतर था, यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ तीन का अंतर है,
यही भिन्न है, यही जवाब आंसर है, यही आपका सही जवाब भी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ये रहा, ध्यान से देख लो और बताओ, जल्दी से कमेंट में जवाब दे दो मुझे सभी के सभी बच्चे भाई, कमेंट में सभी लोग बच्चे ध्यान से देख लो और बताने का प्रयास करो सभी, जल्दी से ध्यान से देख लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे भाई। बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का एग्जाम कल है, एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स को बहुत 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 बधाइयां। बच्चों ध्यान से तसल्लीवश करके आइएगा, 6:30 बजे वाला एक इवेंट है जो एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए है, वो सभी जानेंगे कि भी लास्ट मोमेंट पर हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना होता है। तो सभी लोग उस सेशन को मिस मत करना कोई भी, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, इस प्रश्न में कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। कह रहा है ए जो है सी और डी से बड़ा है, ए जो है बच्चों वो किस किस से बड़ा है, सी और डी से बड़ा है। बी की आयु ए और सी के बीच में है, बी की जो आयु है वो ए और सी के बीच में, ठीक है ना, इस तरीके से बी की जो आयु है, अच्छा अच्छा बी की आयु जो है, बी की जो आयु है वो ए और सी के बीच में, मतलब ऐसे करके ए बी सी ऐसे करके। फिर आपसे कह रहे हैं लेकिन ई का सब ई सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन ई जो है सबसे छोटा है, ओके। डी जो है बी और सी से बड़ा नहीं है, डी जो है बी और सी से बड़ा नहीं, तो आपका क्या है, छोटा है फिर, ठीक है ना। कितने लोग हैं भाई, 2, 4, 5, और ई सबसे छोटा नहीं है, तो ए बी सी ई और डी। तो परिवार में दूसरा बड़ा सदस्य कौन सा है, परिवार में दूसरा बड़ा सदस्य कौन है बच्चों, बी है। परिवार में दूसरा बड़ा सदस्य कौन है बच्चों, बी है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। कर लिया सभी ने, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कर लिया सभी ने या नहीं, हाँ या ना। चलिए तो 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक बच्चों। ईश्वर का नाम लीजिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए और चक दे फट्टे फतेह करके आनी है सभी को कल के पेपर में, ठीक है। और बताना है कहाँ बताएंगे, देखिए सबसे पहले जिन भी बच्चों का एग्जाम है कल, तो भाई कल एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग एक बार नंबर नोट कर लो, एक बार सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए, 85, 95, 616, 748, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया या नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। सभी ने नोट कर लिया या नहीं, ठीक है, ध्यान से इस नंबर पे आप लोग सभी लोग एग्जाम के बारे में बताएंगे कल, ठीक है। कल एग्जाम एनालिसिस के बारे में, कल अपने बारे में पेपर कैसा हुआ क्या हुआ, कल आप सभी इस नंबर पे जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए सभी के सभी, समझ आ रही है बात या नहीं, बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं। मैं कहाँ से हूँ, मेरठ से हूँ मैं, यूपी मेरठ, यूपी में एक जगह है मेरठ, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने ना सुना हो, मोस्टली सभी ने सुना होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फिर सेशन की यहीं तक रखेंगे, 6:30 बजे नोट कर लो सभी, अभी 6:30 बजे मैं मिलने वाला हूँ दोबारा आप सभी से, ठीक है। तो 6:30 बजे मिलने वाले हैं आप सभी से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।